कोरोना के चैन को तोड़ने के लिए जहां एक ओर लॉकडाउन जारी है, वहीं दूसरी ओर घरों में कोहराम। तस्वीरें बेगूसराय की है जीवनसाथी.com से। जिस शख्स ने अपने पत्नी को चुना था, वो पति ही हैवान बन गया। बाबुल का घर छोड़कर जिस पति के बल पर ससुराल आई थी, वही पति हैवान बन गया। कोलकाता के सोनम से भागलपुर के अंबिका प्रसाद ने जीवनसाथी.com पर जो वादा किया था, वो घर आते आते भूल गए। ये आंसू उसी के तो निशान है। मैं सोनम सिन्हा नाम है मेरा, मैं कोलकाता से हूँ। शादी जीवनसाथी.com से हुई थी। मेरे हस्बैंड ने इंटरेस्ट दिखा के शादी किए थे। माँ बाप सबके मर्जी से हुई थी शादी। उसके बाद कोलकाता से लोग मुझे, मैं यहाँ आ गई बनौनी टाउनशिप में, रिफाइनरी में, अपने हस्बैंड के साथ क्वार्टर में। शादी के बाद मेरे हस्बैंड और मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत तंग करने लगे, म्यूचुअल डाइवोर्स मांगने लगे कि मुझे छोड़ के चली जाओ। और सास ससुर को दहेज चाहिए था, इसलिए वो लोग हमसे कोई संपर्क ही नहीं रखे कभी। वो लोग भागलपुर के रहने वाले हैं और मेरे हस्बैंड का एक लड़की से अफेयर है। वो उसके चक्कर में चाहते हैं कि मैं इनको डाइवोर्स म्यूचुअली दे दूँ। और टॉर्चर करते हैं, मारते भी हैं, गाली देते हैं, खाना तक नहीं देते हैं मुझे, खुद बाहर खा लेते हैं, पैसा रुपया भी नहीं देते। शादी पटना में हुई, घर भागलपुर में, और प्रताड़ित बेगूसराय में किया। मारपीट की, घरों में लॉक कर दिया, फिर कैमरे लगा दी निगरानी के लिए। कुछ ना कुछ टॉर्चर करते रहते हैं। टाउनशिप में सबको ही जानते हैं। रिफाइनरी में भी मैंने कंप्लेन की है, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है मुझे कहीं से। मैंने ऑफिशियली एक कंप्लेन किया है पुलिस में भी और इनके ऑफिस में भी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। कहाँ बात हुई है, किस थाने में कंप्लेन किया? मैंने एक SP ऑफिस में ईमेल किया है, DM ऑफिस में भी मेल किया है। DM ऑफिस से मुझे एक कॉल आया था किसी का, वो बोले थे बात करेंगे। पता नहीं मेरे हस्बैंड से उनकी क्या बात हुई नहीं हुई, वो उसके बाद ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने आज सुबह भी फ़ोन किया था, उसके बाद अचानक से मेरे हस्बैंड आए ऑफिस से और घर में घुस के मेरे ऊपर हाथ भी उठाए, सामान उमान इधर उधर कर दिया और मेरा मोबाइल पूरा तोड़ तोड़ के रख दिए, ताकि मैं किसी को कोई बोल नहीं सकूं, कुछ कर नहीं सकूं। मेरे निगरानी में कैमरा लगा के रखे हैं कि मैं कहीं आना जाना नहीं कर सकूं, ना कोई मेरे घर आ सके। आज कल रात में मेरे हस्बैंड मेरे घर का चाबी, रूम का चाबी, लॉकर का चाबी सब लेके रख लिए थे। तो मैंने रात में कुछ नहीं बोला, हम दोनों का कमरा तक अलग है। मेरे हस्बैंड सिर्फ मेरे साथ 2 महीने तक एक घर में, एक रूम में थे। इतना टॉर्चर किया है कि एक घर में भी रह के खाना पीना भी अलग खाते हैं और रूम भी अलग है हम लोगों का। उसके बावजूद मैं यहाँ पे बहुत निभाने का कोशिश कर रही थी। रात को मेरा सारा चाबी वाबी लेके रख लिए। मैंने सुबह बहुत रिक्वेस्ट करके उनसे चाबी मांगा कि मैं कहीं कुछ खाने के लिए भी लेने जाऊँगी, तो वो मना कर दिए, बोले नहीं दूंगा कोई चाबी। अचानक मैंने इनके ऑफिस में इनके बॉस को फ़ोन करके बोला कि चाबी दिलवा दीजिए। पता नहीं उन लोगों से क्या बात हुई, 12 बजे आए, 10 मिनट के अंदर घर का इधर उधर सब कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगे। मैं डर गई, मैं पूजा कर रही थी और मैं निकलने का कोशिश थी कि मैं अपने रूम से निकल जाऊँ, तब तक मैं ये मेरा बाल ऐसे पकड़ के इस साइड में मेरा गाल भी सूज गया, दर्द भी हो रहा है, यहाँ से मारे भी है और मेरा मोबाइल हाथ घुमा के मेरा मोबाइल लेके चकना चूर कर दिया। मोबाइल मेरे रूम के दरवाजे पे ही टूटा हुआ है। शादी हमारी पटना से कंकड़बाग मंदिर में, इन लोगों का डिमांड था कि किसी को आप लोग नहीं बुलाएंगे, हम लोग साधारण शादी करना चाहते हैं क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। मेरे पापा चाहते थे कि अच्छे से शादी करें, लेकिन हम लोग फाइनेंशली डाउन थे तो हम लोग मान गए कि ठीक है। उस शादी के बाद इनको जब दहेज वहेज जो मेरा ज्वेलरी वगैरह ले लिए, उसके बाद मुझसे 2 लाख रुपया ये बैंक अकाउंट में भी लिए, उसके बाद से ये लोग मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखे। उस समय ये मेरे पीछे एकदम पागल रहते थे कि मुझे तो शादी करनी है, दिन रात फ़ोन करते थे, दिन रात बातें होती थी। मेरे माँ बाप को परेशान कर दिए कि ये मुझसे ही शादी करना चाहते हैं। अचानक से उसके बाद इनका 1 महीने बाद मुझे समझ में आ गया इनका रवैया क्या है। मेरे हस्बैंड का नाम अंबिका प्रसाद है, सिविल इंजीनियर है, रिफाइनरी में प्लांट में अभी। आप क्या हैं, क्या नाम है? मेरा नाम सोनम सिन्हा है, मैं कोलकाता हावड़ा से हूँ। मेरे माँ बाप वही रहते हैं, मेरे माँ बाप दोनों बीमार हैं। प्रताड़ित होकर सोनम थाना पहुंच गई। मामला महिला थाना पहुंचा तो FIR दर्ज की गई। इंजीनियर साहब पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। जिस पिया के संग भगवान को साक्षी मानकर सोनम ने 7 फेरे लिए थे, उसी पति ने सोनम को बंद कमरे में प्रताड़ित की। सोनम ने DMSP सहित जिले के अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। बेगूसराय से हरे रामदास के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे बिहार न्यूज़।